खबर कोटा जिले से है, जहां नयापुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपी पदम सिंह और गुलबाग सिंह यूपी के पिलुआ इलाके के निवासी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों ने दिसंबर 2023 में नयापुरा बस स्टैंड से एक महिला के 80 तोला सोने की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और इस मामले में लाइव तस्वीरें भी सामने आई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चोर गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही नयापुर थाना पुलिस पूरे मामले की अग्रिम जांच कर रही है। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट। कल्पना देवी जी जो है महिला है, वो 1 दिसंबर को बूंदी से की शादी समारोह से आ रही थी। सवेरे बस स्टैंड बूंदी पर उन्होंने अपना बैग रखा, दूसरी बस में अपने मोबाइल में बातचीत करने लगी। इसी दरमियान 2-3 आदमी आए और एक आदमी उनके आड़े हो गया और इस दरमियान उनके बैग को पार करके ले गया। इस संदर्भ में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और बाकी टीम द्वारा काफ़ी प्रयास किए गए थे। लगातार प्रयास के दौरान मेरे यहाँ ज्वाइन करने के पश्चात कल दिनांक 12 मार्च को दो आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया, जिनसे बरामदगी संदर्भ में प्रयास किए जा रहे हैं। मुलजिम पीसी पर चल रहे हैं और शीघ्र ही जो है बरामदगी की जाकर मामले का खुलासा और किया जाए।